नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे छात्रों को लेकर। अब छात्रों में बात करेंगे, स्टूडेंट के खाते में आएंगे अब 25,000 रुपए। बिहार में स्नातक पास 53,600 छात्रों को प्रोत्साहन राशि के रूप में शिक्षा विभाग ने 134 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रोत्साहन राशि इन छात्रों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि सरकारी के साथ साथ वित्त रहित मान्यता प्राप्त कॉलेज से 2018 के बाद स्नातक पास छात्राओं को दी जाएगी। वहीं वीर कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण और मगध विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण तीनों विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कॉलेजों की छात्राओं का सत्यापन नहीं हो पाया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने तीनों विश्वविद्यालयों की लापरवाही की गंभीरता से लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर रेखा कुमार ने इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में तलब किया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि हाथों हाथ सत्यापन करवा कर देना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी कोटि के छात्राओं को राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा एक मुश्त 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। हालांकि 1 अप्रैल 2021 के बाद से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए योजना की राशि दुगुनी यानी कि 50,000 रुपये हो जाएगी। बताया जा रहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक को उत्तीर्ण लगभग 2.25 लाख छात्राओं के प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। पिछले महीने 14,400 छात्राओं को लगभग 35 करोड़ रुपये दिए गए थे। इससे पहले भी 11,000 से अधिक छात्राओं को राशि दी जा चुकी है। अभी लगभग 2 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने बाकी है और जिसको लेकर सरकार जो है लगातार तत्पर है। स्नातक प्रोत्साहन योजना में विवाहिता और अविवाहिता दोनों ही छात्राओं को राशि दी जाएगी। आवेदन करने वाले छात्राओं को विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से सर्टिफिकेट की जाँच के बाद प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से बैंक खातों में देने का प्रावधान किया गया है। तो एक तरह से कहें कि जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो राशि दी जानी थी और इसको लेकर लगातार एक तरह से कहें कि बिहार सरकार के ऊपर लगातार सवाल खड़े होते रहे थे कि वो जो राशि है वो छात्राओं के खाते में नहीं जाती है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार के दौरान भी कई तरह के मामले जो है वो सामने आए थे, लेकिन अब जो है बिहार सरकार के वित्त विभाग ने जो है वह राशि उन छात्राओं के खाते में आवंटित करने की बात कही है। हालांकि 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके कुलपतियों की लापरवाही के चलते छात्राओं के खाते में पैसे नहीं जाने की बात कही जा रही है, लेकिन निदेशालय की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि आपकी लापरवाही से छात्राओं के पैसे में खाते क्यों ही जाएंगे। इन सब चीजों पे भी अब लगातार जो है शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है और बिहार सरकार की खास करके मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर अब छात्राओं के खाते में 25,000 रुपये की राशि जाने की बात कही गई है। लेकिन 1 अप्रैल के बाद से जो उत्तीर्ण होंगे उनके खाते में जो है 50,000 की राशि जाने की बात कही गई है। तो मुख्यमंत्री लगातार जो है छात्राओं के उत्थान को लेकर, छात्राओं के डेवलपमेंट को लेकर लगातार काम करती रही है और इसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत जो है ग्रेजुएट छात्राओं के खाते में 25,000 और अब जो है 50,000 की राशि दी जाने की बात कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।